हाय फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट का हिंदी है अनिवार्य विषय इसका जो अभी जांच परीक्षा हुआ है इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा दो में उसी का यह अब क्वेश्चन है हम लोग शुरू करते हैं कि कितना आपका आंसर सही है और कितना गलत है आप इसके द्वारा मिला सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करें आपका क्वेश्चन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है शक्ति शब्द है तो इसका सही आंसर है ए स्त्रीलिंग दूसरा क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं तो इसका सही आंसर है बातचीत की शैली बी ऑप्शन आपका सही है तीसरा क्वेश्चन है डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है इसका सही आंसर है बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चौथा क्वेश्चन किरत सिंह कौन था इसका सही आंसर है लहना सिंह का भतीजा डी ऑप्शन आपका सही है पांचवा क्वेश्चन नमक विशेष शब्द का विशेषण है इसका सही आंसर है बी नमकीन छठा क्वेश्चन है राम राम यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है तो इसका सही आंसर है ए सरल वाक्य सातवां क्वेश्चन भ्रष्टाचार की जड़ क्या है तो इसका सही आंसर है बी सरकार की गलत नीतियाँ आठवां क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं इसका सही आंसर है बी छायावाद नौ नंबर का क्वेश्चन शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है इसका सही आंसर है सी अज्ञा की दसवाँ क्वेश्चन मालती के बच्चे का नाम क्या था इसका सही आंसर है सी टी टीटी ग्यारहवा क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है इसका सही आंसर है एक ही सहारा बारह नंबर का क्वेश्चन है सजावट शब्द संज्ञा है इसका सही आंसर है ए भाववाचक तेरह नंबर का क्वेश्चन विद्यालय आप विद्यालय क्यों जाते हैं इसका सही आंसर है डी शिक्षा प्राप्ति के लिए चौदह नंबर का क्वेश्चन किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक किसको जन्म देती है इसका सही आंसर है बी चिंता और भय को पंद्रह नंबर का क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया इसका सही आंसर है ए अध्यापन किया सोलह नंबर का क्वेश्चन किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं तो इसका सही आंसर है डी लेखक के पिताजी सत्रह नंबर का क्वेश्चन नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है किसने कहा इसका सही आंसर है सी बिस्नी ने अठारह नंबर का क्वेश्चन जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया इसका सही आंसर है बिहार राजभाषा पुरस्कार से उन्नीस नंबर का क्वेश्चन छत्रसाल कौन थे इसका सही आंसर है ए सोलंकी राजा बीस नंबर का क्वेश्चन नाभादास किस समाज के विद्वान है इसका सही आंसर है बी दलित समाज के इक्कीस नंबर का क्वेश्चन संताप शब्द का संधि विच्छेद है इसका सही आंसर है ए समजोड़ ताप बाईस नंबर का क्वेश्चन सरिता शब्द का पर्यायवाची है इसका सही आंसर है सी नदी तेईस नंबर का क्वेश्चन प्रोत्साहन शब्द का विलोम है इसका सही आंसर है ए हतोत्साहन चौबीस नंबर का क्वेश्चन कबीर दास किस शाखा के कवि हैं इसका सही आंसर ए निर्गुण शाखा के पच्चीस नंबर का क्वेश्चन भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है इसका सही आंसर ए छपय छंद में छब्बीस नंबर का क्वेश्चन शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है इसका सही आंसर है बी भूषण हजारा ने में सताईस नंबर का क्वेश्चन भूषण रचित कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस है इसका सही आंसर है डी वीर रस अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है इसका सही आंसर है ए पुत्र वियोग उनतीस नंबर का क्वेश्चन पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं इसका सही आंसर है सी एक सजग रचनाकार तीस नंबर का क्वेश्चन वह दिल का बहुत भोला है पदबंध है इसका सही आंसर है बी विशेषण पदबंध इकतीस नंबर का क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था इसका सही आंसर है डी निर्मला देवी बत्तीस नंबर का क्वेश्चन समय के पास समय किसकी रचना है इसका सही आंसर है ए अशोक वाजपेयी की तैतीस नंबर का क्वेश्चन पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है इसका सही आंसर है बी इतावली भाषा में चौंतीस नंबर का क्वेश्चन कवि रघुवीर सहाय किस भाषा में एमए किया इसका सही आंसर है डी अंग्रेजी में पैंतीस नंबर का क्वेश्चन गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था इसका सही आंसर है ए माधवराज मुक्ति बोध छत्तीस नंबर का क्वेश्चन विजय शब्द में उपसर्ग है इसका सही आंसर है ए वी सैंतीस नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रगीत कौन सा समास है इसका सही आंसर है डी तत्पुरुष अड़तीस नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है इसका सही आंसर है तर डी ऑप्शन आपका सही है उनचालीस नंबर का क्वेश्चन गोद शब्द का पर्यायवाची है इसका सही आंसर है अंक बी ऑप्शन आपका सही है चालीस नंबर का क्वेश्चन हिमालय शब्द कौन संज्ञा है इसका सही आंसर है सी व्यक्तिवाचक इकतालीस नंबर का क्वेश्चन है नीला शब्द है आपका इसका सही आंसर होगा बी तद्भव बयालीस नंबर का क्वेश्चन तुक्ष शब्द का विलोम निम्न में कौन है इसका सही आंसर है बी महान तैतालीस नंबर का क्वेश्चन धूप का पर्यावाची शब्द है इसका सही आंसर है बी मरीची चौवालीस नंबर का क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का नायक है इसका सही आंसर है ए लहना सिंह पैंतालीस नंबर का क्वेश्चन जल शब्द का विशेषण है इसका सही आंसर है ए जलीय छियालीस नंबर का क्वेश्चन संन्यास शब्द है इसका सही आंसर है बी पुलिंग सैंतालीस नंबर का क्वेश्चन हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं हम दो कौन विशेषण है इसका सही आंसर है बी संख्यावाचक विशेषण अड़तालीस नंबर का क्वेश्चन घृणित शब्द में प्रत्यय है इसका सही आंसर है सी इत उनचास नंबर का क्वेश्चन सदा निराश शब्द कौन समास है इसका सही आंसर है बी तत्पुरुष पचास नंबर का क्वेश्चन थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक में कारक चिन्ह है इसका सही आंसर है सी में इक्यावन नंबर का क्वेश्चन दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है इसका सही आंसर है बी राहत महसूस करना बावन नंबर का क्वेश्चन सयाना शब्द का विलोम है इसका सही आंसर है बी होशियार तिरपन नंबर का क्वेश्चन प्रतिष्ठा शब्द है इसका सही आंसर है ए स्त्रीलिंग चौवन नंबर का क्वेश्चन आदमी शब्द कौन संज्ञा है इसका सही आंसर है बी जाति वाचक संज्ञा है पचपन नंबर का क्वेश्चन है नहीं मरने वाला का एक शब्द है इसका सही आंसर है बी अमर छप्पन का क्वेश्चन गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है इसका सही आंसर है ए गिरी जोड़ इस सन्तावन नंबर का क्वेश्चन है बच्चा शब्द है इसका सही आंसर है बी तद्भव अंठावन नंबर का क्वेश्चन निम्न में शुद्ध वाक्य है इसका सही आंसर है सी इन दोनों में के, केवल यही अंतर है। उनसठ नंबर का क्वेश्चन कान शब्द है इसका सही आंसर है बी पुलिंग साठ नंबर का क्वेश्चन तीर्थ यात्रा कौन समास है इसका सही आंसर है ए तत्पुरुष समास। समाससठ नंबर का क्वेश्चन बाल विवाह किस लेखक की रचना है इसका सही आंसर है बी बालकृष्ण भट्ट की बासठ नंबर का क्वेश्चन उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है इसका सही आंसर है सी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से चौ तिरसठ नंबर का क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया इसका है, D, है इसका सही आंसर है डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा चौंसठ नंबर का क्वेश्चन अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है इसका सही आंसर है ए निबंध पैंसठ नंबर का क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था इसका सही आंसर है डी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार छियासठ नंबर का क्वेश्चन अर्ध नारीशो शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है इसका सही आंसर है सी देवता सड़सठ नंबर का क्वेश्चन सच्चिदानंद हीरानंद वातसायन अज्ञा ने उन्नीस से पच्चीस ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा इसका सही आंसर है डी अंग्रेजी में अड़सठ नंबर का क्वेश्चन उन्नीस सौ चौदह ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए इसका सही आंसर है बी गदर पार्टी उनहत्तर नंबर का क्वेश्चन जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था इसका सही आंसर है डी कालिदास अवार्ड सत्तर नंबर का क्वेश्चन हम रिफ्यूजी हैं माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं किसने कहा इसका सही आंसर है ए दो बर्मी लड़कियों ने इकहत्तर नंबर का क्वेश्चन नामोर सिंह के पिताजी का क्या नाम था इसका सही आंसर है ए नागर सिंह बहत्तर नंबर का क्वेश्चन है कौन प्यार ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे इसका सही आंसर है पिताजी बी ऑप्शन आपका सही है तिहत्तर नंबर का क्वेश्चन अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है इसका सही आंसर है सी उदय प्रकाश के द्वारा चौहत्तर नंबर का क्वेश्चन साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है इसका सही आंसर है बी भय में जीना पचहत्तर नंबर का क्वेश्चन शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं इसका सही आंसर है ए परिवर्तन के छिहत्तर नंबर जायसी थे इसका सही आंसर है डी फकीर सतहत्तर नंबर का क्वेश्चन है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है इसका सही आंसर है ए सी ही अठहत्तर नंबर का क्वेश्चन निम्न में तुलसीदास की कौन सी रचना है इसका सही आंसर है डी पद उनासी नंबर का क्वेश्चन नाभादास जी कैसे कवि थे इसका सही आंसर है बी सगुणोपाशक अस्सी नंबर का क्वेश्चन है भूषण का जन्म कब हुआ था इसका सही आंसर है ए सोलह सौ तेरह ईस्वी में इक्सी नंबर का क्वेश्चन आशु किसका काव्य संकलन है इसका सही आंसर है सी जयशंकर प्रसाद की बिरासी नंबर का क्वेश्चन मुकुल कविता संग्रह पर सुभाद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया इसका सही आंसर है से, कर, से कसरिया पुरस्कार तिरासी नंबर का क्वेश्चन है हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था इसका सही आंसर है अफ्रीकी देश कांगो में चौरासी नंबर का क्वेश्चन गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका सही आंसर है सी ज्ञान ज्ञानेन्द्र पति द्वारा पचासी नंबर का क्वेश्चन रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं इसका सही आंसर है बी आधुनिकी काल के छियासी नंबर का क्वेश्चन न का उच्चारण स्थान क्या है तो इसका सही आंसर है बी दंत सतासी नंबर का क्वेश्चन यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है इसका सही आंसर है सी यदि जोड़ अपी अठासी नंबर का क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द है इसका सही आंसर है बी जेस्ट इसका सही आंसर होगा नक्षत्र डी ऑप्शन आपका सही है नवासी नंबर का क्वेश्चन है नम्रता शब्द कौन संज्ञा है इसका सही आंसर है बी भाववाचक नब्बे नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्र गीत कौन समास है इसका सही आंसर है सी तत्पुरुष समास इक्वे नंबर का क्वेश्चन धूप शब्द का पर्यावाची है इसका सही आंसर है बी भी, धाम बिरानवे नंबर का क्वेश्चन मलिनता में कौन प्रत्यय है इसका सही आंसर है ए ता तिरानवे नंबर का क्वेश्चन दिन शब्द का विशेषण है इसका सही आंसर है सी दैनिक चौरानवे नंबर का क्वेश्चन महाबाहू शब्द में उपसर्ग है इसका सही आंसर है ए महा पंचानवे नंबर का क्वेश्चन क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है इसका सही आंसर है बी यथाक्रम। छियानवे नंबर इहलोक लोक शब्द का विलोम है इसका सही आंसर ए परलोक संतानवे नंबर का क्वेश्चन मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है इसका सही आंसर है बी संयुक्त वाक्य अंठानवे नंबर का क्वेश्चन उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है इसका सही आंसर है बी उपसर्ग निन्यानवे नंबर का क्वेश्चन जो खमा जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है तो इसका सही आंसर है सी निश्चय वाचक सौ नंबर का क्वेश्चन है धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है इसका सही आंसर है डी धनवती दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए जय हिंद जय भारत